बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर चेहरे पे बहुत ज्यादा कालापन पड़ रहा है, चेहरे पे झाइयां पड़ रही हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, साथ में चेहरे पे ग्लो बिल्कुल भी नहीं रह गया है और छोटे छोटे दाग हो गए, चाहे वो एज स्पॉट्स हो, चाहे वो पिंपल्स के दाग हो, चाहे वो घमौरियों के दाग हो, चाहे वो चेचक के दाग हो, आज का जो घरेलू नुस्खा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही ये आपके चेहरे की अनगिनत समस्याओं को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ में आपके चेहरे की रंगत पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा और आपका चेहरा दिन दूनी रात चौगुनी निखरता चला जाएगा। हाँ जी, आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा सरल और उन सभी लेजी महिलाओं के लिए है जो बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना चाहती हैं। उनको बस ऐसा चाहिए कि 2-3 इंग्रेडिएंट मिला ली जो कि घर में ही अवेलेबल है और उनको रिजल्ट बिल्कुल पापचिक वाला मिले, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजेदार मिले। तो हाँ जी बहनों, आज की वीडियो तो बिल्कुल आपके लिए ही, आज की वीडियो में आपका चेहरा जो है ना, ये रेमेडी लगाने के बाद, ये वाला घरेलू नुस्खा लगाने के बाद बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग स्मूथ स्पॉटलेस हो जाएगी। बस शर्त ये है कि इसको आपको रेगुलर लगाना है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शायरा और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। देखिए, चेहरे पे जो समस्याएं हैं वो सबके आती है, मेरी भी आ रही। अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या यार छोटे छोटे से दाने हो गए जो कि अब ठीक हो रहे हैं इन्हीं सारे फेस पैक्स लगा के, और अब वो क्या हो रहा है, थोड़े से स्पॉट्स से छोड़ रहे हैं। तो यही घरेलू नुस्खा लगा के हम एक हफ्ते में अपना चेहरा बिल्कुल ठीक कर लेंगे। देखिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए तो हर चीज वर्क करेगी। तो चलिए, जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा आप करिए। 2-3 स्टेप है, बहुत ही ईजी है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसको आप किसी भी समय कर सकती हैं, आप सुबह के टाइम भी रेमेडी कर सकती हैं, शाम के टाइम कर सकती हैं, रात के शाम टाइम भी आप कर सकती हैं, जिस टाइम भी आप फ्री हो। और यकीन मानिए, ये मेरा नहीं, बिल्कुल बहुत पुराना मेरी दादी का नुस्खा है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पहले जमाने में रानी महारानी लोग भी करती थी, पहले जमाने में कहाँ स्किन केयर पे इतने ज्यादा पैसा लोग खर्च करते थे। तो चलिए, हम करते हैं अपना यही वाला रूटीन। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें 2 जगह कच्चा दूध निकाल के रख लेना है। तो ये दोनों जगह हमने कच्चा दूध निकाल के रख लिया है। इसमें 2 स्टेप हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक स्टेप भी कर लेते हो तो भी बहुत ज्यादा फर्क आपको महसूस होगा। लेकिन अगर आप दोनों कर लेते हो तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वही वाली बात हो जाएगी। तो चलिए, पहले स्टेप में हम लेंगे कच्चा दूध। अपने चेहरे को आप अच्छे से वॉश करके बैठिए, अगर आपने वॉश नहीं भी किया है, हल्का सा पानी से भी धो लिया है तो भी चलेगा। इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। अब गेहूं का आटा तो हर घर में मिलता है, किसके घर में गेहूं का आटा नहीं होगा, सबके घर में होगा गेहूं का आटा। और इसका हमको पेस्ट बना लेना है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। तो इसका खाली इन दोनों चीजों को मिक्स करना है। तो पहले स्टेप में हमको यही करना है, ये हर स्किन टाइप पे सूट करेगा। आपकी स्किन चाहे नॉर्मल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे ऑयली हो, हर स्किन टाइप वाले इस रेमेडी को कर सकते हैं, हर उम्र के कर सकते हैं, इवन 10 साल के बच्चे के ऊपर भी आप ये वाली रेमेडी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मेरे मतलब चैनल पे बहुत कमेंट्स आता है कि दीदी हम अपने बच्चों को यूज कर सकते हैं, उसके टैनिंग हो गई है। तो देखिए, कुछ ऐसी रेमेडी होती हैं जो बच्चों पे यूज नहीं की जाती हैं, जिसमें कुछ लेमन जूस पड़ा होता है तो बच्चों को वैसी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन हाँ, ये जो है जिसमें आपने ये वाली रेमेडी है या जिसमें हम आटा मिलाते हैं, तो उसमें वो रेमेडी आप बेझिझक यूज कर सकते हो 10 साल से ऊपर के बच्चों को। इवन छोटे बच्चों को तो उपटन भी लगाया जाता है ना, तो आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, मेरा पैक बन गया। अब आपको इसको कैसे लगाना है, अब आपको अपने पूरे चेहरे पे इसको लगाना है। ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना माइल्ड होता है, ये आपके डेड स्किन को निकालेगा, आपके चेहरे को फाइन करेगा, आपके चेहरे को टाइट करेगा, आपके चेहरे पे जितने भी दाने हैं, दाग हैं, उसको ये धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और आपका फेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत देर तक नहीं करना है, इसको आपको खाली 5 मिनट तक मसाज करना है अपने पूरे फेस पे, जिससे कि आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल डर्ट निकल जाएगी, अंदर से आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। साथ में अगर आपके चेहरे पे टैनिंग हो रखी है उसको भी ये खत्म करेगा, आपके सारे दाग धब्बों को खत्म करेगा। आपको आंखों के नीचे भी लगाना है, बहुत इत्मीनान से आप इसको लगाइए और आप देखोगे, अगर आप हफ्ते
हफ्ते भर भी इसको कर लेते हो ना, आप बिफोर एंड आफ्टर की पिक लेके देखिएगा, आपको इतना इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पहली बार में ही आपको अपने जो चेहरा है, चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है, वो आपको एनहेंस मिलेगा, यानी कि वो आपको फेयर मिलेगा। और ये सब हम लगाते हैं तो मेरा भी चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाता है। सब लोग हमसे पूछते हैं भैया आजकल क्या लगा रही है जो चेहरा इतना ज़्यादा चमक रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे इसको लगा लेना है और इससे आपको मसाज करनी है मुश्किल से 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये आपके सारी डेड स्किन को निकालेगी। और ये पता है रानी महारानी लोग यूज़ करती थी, मेरी दादी बहुत यूज़ करती थी और उनका चेहरा इतना ज़्यादा फ्लॉलेस रहता था, कभी हमने उनके चेहरे पे कभी कोई प्रॉब्लम देखी ही नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, मतलब एज इतनी नहीं रहती है लेकिन स्किन उस हिसाब से नहीं अच्छी रहती है। उसका कारण यार ये मेकअप वेकअप भी होता है भाई, हम भी करते थे मेकअप, एक समय में मेरी मेकअप की वीडियोस आती थी यार, ऐसी मेरी स्किन की बैंड बज गई थी, इतनी गंदी मेरी स्किन हो गई थी क्या बताएं। एक तो वैसे ही मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऊपर से ये सब हो जाता है तब तो कहने ही क्या। तो चलिए हमने अपने चेहरे पे कर ली है मसाज, अब हम करते हैं अपना दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी है यार, उसको भी आप कर लेना। उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने दूसरा पार्ट निकाल के रखा था दूध का, उसमें हमें कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट डालनी है जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग करेगी, क्लीन करेगी, दाग धब्बों को हटाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम मिलाएंगे थोड़ी सी पिंच भर हल्दी, ठीक है। अब हल्दी आप किचन की भी ले सकते हो, कस्तूरी हल्दी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी सी इसमें आपको मिलानी है हल्दी, थोड़ी सी और ले ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कम है। इससे आपके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पे जो दाग है वो ख़त्म हो जाएंगे। और बस और कुछ नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी को आपको अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। और इसी पैक के ऊपर ही आपको लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको धोने जाओ, बस इसी के ऊपर आपको इस तरीके से लगाना है और इसकी आपको मसाज करनी है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। देखिए आप जितनी अच्छी मसाज करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए कितनी इजी रेमेडी हमने आपके साथ शेयर करी है, इससे ज़्यादा इजी रेमेडी तो कोई हो ही नहीं सकती। बैठे बैठे बस आप इसको कर लीजिएगा और पहली बार में ही देखेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा बढ़िया होती चली जाएगी। इसको आप डेली भी कर सकते हो और उसके बाद फिर अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेके अच्छे से अपने पूरे फेस पे इसको करनी है मसाज। आप इसको अपने हाथों में भी लगा लीजिए, आप अपने इसको पैरों में भी लगा लीजिए, जहाँ पे भी आपके कालापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए और अच्छे से मसाज करिए बैठ के खाली 10 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। तो चलिए मेरी भी हो गई मसाज, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सादे पानी से धो लेंगे, लेकिन अभी ऑफ कैमरा थोड़ी देर तक और मसाज करेंगे और उसके बाद इसको सादे पानी से धो लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है वो भी हम बताएंगे, तो जाना नहीं। अरे हाय आप लोग देख सकते हो यार मेरा चेहरा इतना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, इतना ज़्यादा हल्का लग रहा है कि क्या ही बताएं। इससे पहले ना भारी भारी सा लग रहा था, चेहरा एकदम मेरा क्लीन हो गया, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया, एकदम बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज और ग्लो तो आप देख ही रहे कैमरे में, क्या कैमरा मेरा ग्लो पकड़ रहा है। इसके बाद देखिए ये रेमेडी हम दोपहर में कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे सनस्क्रीन लोशन। अगर आप दोपहर में ये रेमेडी कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगा लीजिएगा, रात में कर रहे हैं तो नाइट सीरम लगा लीजिएगा या नाइट क्रीम लगा लीजिएगा, जो भी आप लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, हमेशा उसमें नमी बनाए रखिए जिससे कि फाइन लाइन्स और रिंकल्स जो हैं वो नहीं आएंगी। और बस अपने चेहरे को फ्लॉन्ट करिए, अपने चेहरे को बार बार निहारिए, बार बार देखिए और हम आपसे वादा करते हैं कि ये पहले ही एप्लीकेशन में आपको इतना अच्छा फर्क लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपके चेहरे पे कितनी गंदगी थी, मैल थी, वो निकल गई है, चेहरा सॉफ्ट हो गया है, डेड स्किन निकल गई है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्लीन हो रहे हैं और साथ में आपका चेहरा बिल्कुल निखरा हुआ है और आपको वो ब्यूटी मिलेगी जो कि आप डिजर्व करते हो, जो कि आपको चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हो, फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा,
ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिनको वो भी अपनी स्किन को प्रेप कर सके, आने वाले त्योहारों में वो भी बिल्कुल रेडी हो जाए, फ्लॉन्ट करें और बी कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और आजकल तो मेरी वीडियो में कमेंट ही नहीं आ रहा यार, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।